त्रेता युग में यहाँ पर स्वयं शंकर भगवान का ब्रह्मा हत्या कटा। इस मिथिला में सारे संसार घूम गए, कहीं नहीं उनको ब्रह्मा हत्या, और इस मिथिला में वो सरोवर का दर्शन से ही उनका ब्रह्मा हत्या कटा। ब्रह्मा जी का भी सारे ब्रह्मांड घूम गए, उनको भी ब्रह्मा हत्या लगा था, वो भी इसी मिथिला में आके सरोवर का दर्शन करने से उनका ब्रह्मा हत्या कटा। और स्वयं विष्णु भगवान का भी ब्रह्मा हत्या का लगा था धोख, उनको भी इसी मिथिला में आके ब्रह्मा हत्या कटा। सब बहुत महत्वपूर्ण कुंड है, जो कुंड का दर्शन करने से ब्रह्मा हत्या कटता है। जय मिथिला, नमस्कार। आप लोग अभी देख रहे हैं मधुबनी गुड न्यूज। हम आप सबको बता दें कि आज हम आए हैं जनकपुर धाम, और संभवतः यहाँ के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर है उनसे हम आप लोग को दिखाएंगे, रूबरू करवाएंगे। यहाँ पे पंडा जी भी है, उन लोग से जानेंगे आखिरकार कौन सा मंदिर है और क्या है। जी पहले आप अपना नाम बताइएगा, परिचय दीजिए। हमारा महंत रामगिरी। अच्छा, ये कौन सा भगवान का मंदिर है, क्या है? ये राजा जनक का दरबार हुआ, यहाँ से त्रेता युग में राजा जनक जी ने अपनी पुत्री को यहाँ से विदार राज दरबार जो बोलते हैं, सीता माता का माइती घर, 6 महीना भगवान शादी करके यहाँ से विदाई लेके अयोध्या गए, और भगवान राम ने विश्वकर्मा को बुलाकर यह प्रतिमा जो इसमें राम मंदिर के अंदर गर्भगृह में जो अंदर में भगवान का प्रतिमा सूरत है, वो राजा जनक जी को स्वयं राम जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर अपनी रूप निर्माण करा के जाते समय यह रूप जनक जी को दिए कि मैं इस रूप में आपके घर में सदा सदा के लिए मैं इस रूप में विराजमान रहूँगा। तब जनक जी प्रसन्न होकर अपनी बेटी दामाद को इस भूमि से विदाई किए, और वो बहुमूल्य को अपने दरबार में रखकर राजा जनक दर्शन प्रसन्न पूजन स्वयं जनक जी करते थे। अच्छा, बताया जा रहा है कि ये मंदिर जो है, आप जैसे बताए सच्चा है वही बताए, कितना पुराना मंदिर हुआ, कितने दिनों का ये हो? ये मंदिर की प्रतिमा जो है वो त्रेता युग का है, और इस मंदिर की स्थापना 900 वर्ष से भी ज़्यादा हुआ है। इसका विक्रम संवत 1314 में कोई सिद्ध महात्मा द्वारा इस भूमि को पता लगा के, और इस भीतर में के जो गर्भगृह की प्रतिमा सूरत है उनको प्राप्त करके बाबा जी ने यहाँ स्थापना किए हैं। आपने सुना कि ये प्रतिमा जो है त्रेता युग का ही है, लेकिन ये मंदिर की जो स्थापना हुई है तकरीबन 900 वर्ष हो गए हैं। और बाबा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कितने घूमने का जो स्थान है, भगवान जो राम ये मैया सीता की धरती, यहाँ से जो मिथिला है, यहाँ माँ जानकी की यहाँ स्थान है, तो यहाँ से कितना स्थान, मतलब कितना मंदिर है घूमने के लिए? यहाँ बावन कुट्टी पुरानी मतलब शास्त्र पुराण के अनुसार, बेहद पुराण के अनुसार 52 कुट्टी 76 कुंड है। उस 76 कुंड में कुछ कुंड लुप्त हो गया है, यहाँ का अब स्थानीय वासी हो शासन प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के लापरवाही के कारण से ये कुंड सब बहुत महत्वपूर्ण कुंड है, जो कुंड का दर्शन करने से ब्रह्म हत्या कटता है। ऐसा ऐसा कुंड है, जैसे त्रेता युग में यहाँ पर स्वयं शंकर भगवान का ब्रह्मा हत्या कटा। इस मिथिला में सारे संसार घूम गए, कहीं नहीं उनको ब्रह्मा हत्या, और इस मिथिला में वो सरोवर का दर्शन से ही उनका ब्रह्मा हत्या कटा। ब्रह्मा जी का भी सारे ब्रह्मांड घूम गए, उनको भी ब्रह्मा हत्या लगा था, वो भी इसी मिथिला में आके सरोवर का दर्शन करने से उनका ब्रह्मा हत्या कटा। और स्वयं विष्णु भगवान का भी ब्रह्मा हत्या का लगा था धोख, उनको भी इसी मिथिला में आके ब्रह्म हत्या कटा। कहाँ है धनुष, ये सब देखने के लिए? यही आगे सरोवर है, धनुष कुंड बोला जाता है। अब यहाँ तो त्रेता युग में राजा जनक का ही राजधानी है, उनका नगर ही था, 19 किलो लंबा 19 किलो चौड़ा। उनका नगर का सुरक्षा के लिए 4 महादेव द्वारपाल बने थे, वो महादेव तो यथापति है, और उनकी नगर सब जो था त्रेता के बाद ये सब लुप्त हो गया, ध्वस्त हो गया होगा, लुप्त हो गया होगा, और महादेव यहाँ भी अभी तक स्थापित है। जैसे अब यहाँ 15 दिन की परिक्रमा आती है ना, 15 दिन का
फागुन शिवरात्रि का प्राप्त से यहाँ उठता है। उस परिक्रमा 15 दिन की परिक्रमा में वो चार किला महादेव का दर्शन होता है। अच्छा, अभी जैसे कि आप हम आपसे पूछे कि धनुष जो ये हुए थे टूटे थे उनका मतलब किए थे सभा लगाए, तो वो सब चीज है कुछ भी कहीं है तो दर्शन को तो सब त्रेता युग का कीर्ति कुछ और है, उसके बाद द्वापर युग में कीर्ति कुछ और हुआ होगा, कलि युग में हम आप देख रहे हो यही जैसे है वैसे। तो हम लोग का पूर्व जो बोल रहे हैं कि ये धनुष कुंड है, यहाँ पर धनुष यज्ञ हुआ था, तो एक खंड तीन खंड हुआ, एक पताल गया, एक आकाश गया, एक धनुषा धाम यहाँ से उड़ के वहाँ गिरा। अच्छा, धनुषा धाम कितना किलोमीटर? 19 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ, लोग कितने बोलते हैं वहीं हुआ है, लेकिन नहीं, ये पौराणिक जगह ये है, ये दरबार है, राजा जनक का ये दरबार था, यहाँ से आगे धनुष कुंड वहीं पर धनुष था, वहीं पर भंग हुआ और राजा महाराजा का सभा लगा हुआ था। अब वो तो त्रेता युग में देखने के लिए आना पड़ता तब नज़र आता, तब कलयुग में तो वो भूमि मात्र नज़र आएगा ना वो जगह। तो कोई ऐसी ही वैज्ञानिक कोई सिद्ध महात्माओं को वो जगह वो भूमि शास्त्र पुराण अनुसार लिखाई की अनुसार रामायण की अनुकूल भूमि तलाश करते हैं। जी, आपने सुना और महात्मा जी से हमने बहुत कुछ सुना है। अभी हम जो स्नान किए हैं शायद वही धनुषकुंड है, उसमें स्नान किए हैं, स्नान करके आए हैं। बस अभी तक के लिए इतना ही, बाबा से लेंगे विदा। आगे और भी मंदिर है बहुत सारे, वहाँ से बताएंगे। कितना कुंड बोले थे बाबा? कितना कुंड और कितना ये है? अब आपको नहीं भी कुछ तो 76 में 72 कुंड अभी है। 72 कुंड और क्या मंदिर कितना है? मंदिर 52 कुटी। 52 कुटी और 76 कुंड थे, जिसमें कि कितना बचा है क्या है संभवतः हम पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।